दोस्तों आईपीएल 2024 के एडिशन में यहाँ पर चेन्नई की टीम प्लेऑफ्स में क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, जहाँ पर इस टीम का काफ़ी साधारण यहाँ पर आईपीएल 2024 का एडिशन रहा था। लेकिन अब आईपीएल 2025 के एडिशन के लिए इस टीम की तरफ से यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर डिटेल्स आ चुकी है। आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि चेन्नई ने कौन से खिलाड़ियों को रिटेन किया, कौन से खिलाड़ियों को रिलीज किया, इसके अलावा ऑक्शन के लिए कितना पर्स बैलेंस बचा, आपको इस टीम के ऑक्शन की यहाँ पर स्ट्रेटजी कंप्लीट इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप क्रिकेट से जुड़ी कोई भी खबर कोई भी अपडेट मिस ना कर पाए। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले चेन्नई के रिटेन खिलाड़ियों की। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रिटेंशन की, तो बीसीसीआई ने नियम बनाया कि मेगा ऑक्शन में एक टीम मैक्सिमम 4 खिलाड़ियों को रिटेन कर पाएगी, या तो 3 इंडियन और एक विदेशी खिलाड़ी को टीम रिटेन करे, या फिर 2 इंडियन 2 विदेशी खिलाड़ियों को टीम रिटेन करे। तो इस प्रकार से यहाँ पर पॉलिसी यहाँ पर बनी और यहाँ पर चेन्नई 4 खिलाड़ियों को रिटेन करी। जिन 4 खिलाड़ियों को रिटेन करी, इनमें सबसे पहले नंबर पर नाम आता है कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का। तो गायकवाड़ कप्तान है, ऑब्वियस सी बात है कप्तान फर्स्ट रिटेंशन रहेंगे, पहले रिटेन यहाँ पर लिस्ट में कप्तान का नाम रहेगा। दूसरे नंबर पर यहाँ पर ये टीम जाडेजा को रिटेन करिए। तो जाडेजा जो कि इस टीम के यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर है, काफी बेहतरीन है, इनका यहाँ पर चेन्नई के लिए हमेशा से ही प्रदर्शन रहा, तो जाडेजा भी यहाँ पर रिटेन होंगे। इसके अलावा तीसरे नंबर पर है ये टीम यहाँ पर पतिराना को यहाँ पर रिटेन करिए। पतिराना इस टीम की रिटेन लिस्ट में यहाँ पर इकलौते विदेशी खिलाड़ी रहेंगे, तो पतिराना अब इस टीम के लिए फर्दर हमें यहाँ पर खेलते हुए दिखेंगे, अगले साल भी खेलते हुए दिखेंगे पतिराना में। तो ये टीम इन्वेस्ट करेगी, जो कि आने वाले 8-10 साल इस टीम के लिए शायद ये खेलते हुए दिखे। इसके बाद चौथी रिटेंशन के रूप में ये टीम शिवम दुबे को रिटेन कर रही है, तो यहाँ पर चौथी रिटेंशन इस टीम की पर शिवम दुबे रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर बाकी सारे प्लेयर चाहे ड्यूएन कोनवे, डेरियल मिचेल, इसके साथ ही अजिंक्य रहाणे, इसके साथ ही दीपक चार, बाकी सारे खिलाड़ी शार्दुल ठाकुर, तुषार देशपांडे, जितने भी खिलाड़ी बचेंगे वो सारे खिलाड़ी ऑक्शन में जाएंगे। उन सारे खिलाड़ियों पर बिड लगेगी, बिडिंग लगेगी, उनमें से 40-50% प्लेयर्स को तो ये टीम दोबारा से पिक कर लेगी, लेकिन बाकी प्लेयर अगले साल अब दूसरी टीम की तरफ से हमें खेलते हुए दिखेंगे। तो ये 4 खिलाड़ी रिटेन होंगे। हालांकि एमएस धोनी पर कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि एमएस धोनी आखिर फर्दर खेल रहे या फिर नहीं। अगर वो फर्दर खेलेंगे तो चेन्नई उनको रिटेन करेगी, अदरवाइज उनका जो पैसा है वो यहाँ पर इस टीम के पर्स में एड हो जाएगा। तो हिजोपना अब धोनी को लेकर कुछ भी यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं है, जब तक वीडियो बन रही तब तक चेन्नई ने कुछ भी ऑफिशियल नहीं किया। इसके अलावा इन खिलाड़ियों को रिटेन करने के बाद पहले रिटेन प्लेयर पर 16 करोड़ रुपए कट हो जाएंगे, सेकंड रिटेंशन पर 12 करोड़ रुपए कट हो जाएंगे, थर्ड रिटेंशन पर यहाँ पर 8 करोड़, फोर्थ रिटेंशन पर 6 करोड़ रुपए कट हो जाएंगे। यानी यहाँ पर गायकवाड़ को 16 करोड़ ये टीम सैलरी देगी, जाडेजा को 12 करोड़, इसके साथ पतिराना को 8 करोड़ और दुबे को 6 करोड़ ये टीम सैलरी देगी। टोटल मेगा ऑक्शन में 108 करोड़ का पर्स बैलेंस रहेगा। तो ये पैसे कट होने के बाद ऑक्शन के लिए 63 करोड़ का इस टीम का पर्स बैलेंस बचेगा। तो कुल मिलाकर 63 करोड़ में इस टीम को यहाँ पर ऑक्शन में से अब बचे हुए 21 या फिर 20 खिलाड़ियों को परचेस करना होगा। वैसे आप कमेंट करके बताइए आप चेन्नई में अगले साल कौन कौन से नए प्लेयर्स को देखना चाहते हो, और आप कमेंट करके बताइए आप चेन्नई के आखिर स्क्वाड को लेकर वीडियो देखना चाहते हो या फिर नहीं, आप कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो अगर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।